यूपी में गुंडा राज कायम, इंसानियत के रखवाले ही बने हैवान, पुलिस की पिटाई से युवक की हत्या, योगी की पुलिस ने खून से रंगे अपने हाथ, उत्तर प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का लाख ताल ठोकते हों, लेकिन यूपी की सच्चाई कुछ और ही है। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी ही बर्बरता का मामला सामने आया है जिससे पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ योगी सरकार कई सवालों के घेरे में है। साथियों, आपको बता दें, कानपुर में किदवई नगर के ब्लॉक निवासी मोनू हक्कल 26 वर्ष की मंगलवार सुबह संदिग्ध हालत में मौत हो गई। गुस्साए परिजनों व क्षेत्रीय लोगों ने बगाही चौकी के सामने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से युवक की मौत होने का आरोप लगाते हुए बगाही चौकी के सामने न्याय की मांग की है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मोनू कैटरिंग का काम करता था। परिवार में माँ शिव देवी, दो बहनें ज्योति और पिंकी जहानवी, दो भाई राकेश व अमन हैं। बहन ज्योति ने बताया कि मोनू का बगाही निवासी युवती से 6 सालों से प्रेम प्रसंग था। युवती की मां ने भाई के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। आरोप है कि बगाही चौकी में तैनात दो सिपाही इंद्रजीत और शिव प्रकाश सोमवार दोपहर 4 बजे राजीव पार्क चौराहे से मोनू को चौकी ले गए। वहां से लौटने पर मोनू ने बताया कि पुलिस ने उसे चौकी में बहुत पीटा, शरीर पर पिटाई के निशान भी दिखाए। शाम को भाई की अचानक तबीयत बिगड़ गई। मंगलवार सुबह उसे हेलेट ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मोनू की मौत हुई है। मौके पर पहुंचे एडिशनल डीसीपी साउथ मनीष सोनकर, एसीपी बाबू पुरवा आलोक सिंह के निर्देश पर दो अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार तहरीर में अज्ञात के नाम लिखाने का कुछ सफेद पोषों ने परिजनों पर दबाव डलवाया था। मृतक मोनू की बहन ने बताया कि बगाही निवासी युवती विवाहित है, तलाक भी नहीं हुआ था। वह भाई को अपने प्रेम जाल में फांस कर रुपए खर्च कराती थी, जिसके चलते हाल ही में मोनू ने उससे दूरियां बना ली थी। दोनों में विवाद शुरू हो गया था। यह बात युवती की मां को नागवार गुजरी। दोनों ने साजिश के तहत उसके खिलाफ बगाही चौकी में तहरीर दे दी। यूपी में दिन प्रतिदिन तमाम ऐसी घटना घटित होना अब आम बात हो गई है। कभी उत्तर प्रदेश के ही अमेठी में महिला पुलिस दरोगा रश्मि यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलती है, तो कभी कन्नौज में महिला दरोगा पर आम जनता द्वारा हमला किया जाता है जिसमें महिला दरोगा और उसके साथी सिपाही घायल हो जाते हैं। ये तमाम घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि यूपी में गुंडे बेलगाम हैं। मुख्यमंत्री योगी द्वारा दुरुस्त कानून व्यवस्था केवल विज्ञापनों तक ही सीमित है। सच्चाई उत्तर प्रदेश की आम जनता जानती है कि कैसे अब उत्तर प्रदेश की जनता गुंडों के भय और आतंक का सामना कर रही है। उत्तर प्रदेश में कब थमेगा अपराध? आखिर इन अपराधियों का किसका संरक्षण प्राप्त है जो इतने निडर होकर किसी भी घटना को सरेआम अंजाम देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, दिल्ली।